हेलो सर, मैं नीलांजल कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है एमएस एक्सेल से संबंधित। क्या आपको पता है कि एमएस एक्सेल में ऐड यानी जोड़ का फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है? अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आज आप लोगों को हम एमएस एक्सेल में ऐड का फॉर्मूला लगाने के लिए सिखाएंगे। एमएस एक्सेल से संबंधित वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ एमएस एक्सेल खोल देना है। अब देखिए, यहाँ पर हमको सी सेवन सी में यहाँ एक अंक डाला हुआ है, मान लिया 56 है, दूसरा कॉलम में 45 है, तीसरा कॉलम में 89 है, ये चौथा कॉलम में 78 है और पांचवा कॉलम में 52 है। अब यहाँ मान लिया कि पांचों कॉलम को हमको ऐड करना है, तो ऐड करना है, जहां ऐड करना है वहां उस कॉलम पर हमको बॉक्स को क्लिक कर देंगे। फिर यहां क्या करना है, सबसे पहले यहां बराबर का चिन्ह देना है, फिर उसके बाद यहां सम लिख देंगे। सम लिखने के बाद यहां बड़ी ब्रैकेट को ओपन को खोल देंगे यदि लगाएंगे, फिर यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, यहां से जहां तक जोड़ना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेफ्ट माउस का राइट के साइड दाब को यहाँ को ड्रॉ पर ड्रॉ तक लाना, फिर यहाँ से इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे और यह इंटर को प्रेस कर देंगे। देखिए, अब आपका है जो कॉलम, यहाँ पांचों कॉलम को जोड़ दिया है, जोड़ को एक साथ कर दिया है। अब मान लिया जाए कि अब यहाँ दूसरा कॉलम है। अब यहाँ से देखिए 63 है, फिर अगला कॉलम में 51 है, फिर 58 है, फिर 79 है, फिर 94 है, फिर यहाँ देखिए अब आ गया। अब इसको जब एक बार इस रो में हम फार्मूला लगा दिए हैं तो बार बार हमको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ फार्मूला लगल है, मान लीजिए यहाँ फिर जोड़ना है इसको, तो यहाँ फार्मूला लगल है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके कॉर्नर पर, राइट साइड कॉर्नर पर यहाँ पर जब प्लस ऐड का चीन आ जाए तो यहाँ से सीधे इसको माउस का राइट लेफ्ट साइड क्लिक करके नीचे की ओर ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ देखिए, जब कर देंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक इस कॉलम में फार्मूला लग जाएगा। अब मान लीजिए कि अब ई साइड तो जोड़ दिया, अब नीचे की ओर जोड़ना है, ये दोनों कॉलम को हमको जोड़ देना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ सीधे इस कॉलम में आएंगे और फिर यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ फिर सम लिख देंगे, फिर बड़ी ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से फिर इसको और इसको सेलेक्ट कर लेंगे लेफ्ट क्लिक करके माउस का, फिर यहाँ से इसको बंद कर देंगे अति बड़ी ब्रैकेट को और फिर यहाँ इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ देखिए, ये दोनों जुट गया। अब क्या करना है कि जब इसमें फार्मूला लग गया है तो हमको सभी को जोड़ना है, तो कुछ नहीं करना, फिर यहाँ जहाँ फार्मूला लगाए थे उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जब देखिए प्लस का जब चिन्ह आ जाए तो इसको सीधे माउस का लेफ्ट साइड दबा के आगे की ओर ड्रॉ कर देना है यहाँ तक, तो देखिए सभी में फार्मूला लग गया, सभी में फार्मूला लग गया है। अब एक तरह से आप अगर ड्रॉ करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ देखिए अब मान लिया कि दो तरह से लगता है, फिर अगला कॉलम हमको पूरा को जोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक हमको जोड़ना है, तो कुछ नहीं करना, सीधे यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ सम करेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को ओपन वाला को डाल देंगे, फिर यहाँ देखिए इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर दिए, आपको ड्रॉ करना नहीं आ रहा कोई बात नहीं, फिर उस पर क्लिक कर दें, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, फिर अगला कॉलम में फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर इसी तरह से सभी को क्लिक करके प्लस का चिन्ह लगा देना है।
यहाँ भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर जब लास्ट में आएगा तब फिर प्लस का चिन्ह नहीं लगाना है। फिर यहाँ शिफ्ट के सहारे यहाँ बड़ी ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और फिर इंटर प्रेस कर देना है। देखिए जुट गया। आप दो तरह से लगा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, या बारी बारी से आप क्लिक करके प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। और फिर देखिए इसी तरह से नीचे आएगा, मान लीजिए इसमें जोड़ना है तो सीधे नहीं इसको इसको राइट साइड के कॉर्नर पर आएंगे, यहाँ जब प्लस का चिन्ह देखे तो नीचे की ओर ड्रॉ कर देंगे तो सभी सभी कॉलम हमको जुड़ जाएगा। उसी तरह से आप मान लीजिए कि इसको करना है, मान लीजिए कि एक कॉलम हमको छोड़ देना है, फिर यहाँ ऐड करना है तीनों को, तो यहाँ इस कॉलम हमको ऐड करना है तो कुछ नहीं करना, सीधे देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, फिर सम लिखेंगे, फिर बारी ब्रैकेट को खोलेंगे और फिर देखिए यहाँ इस पर क्लिक करेंगे फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे और प्लस का लास्ट में प्लस का चिन्ह नहीं देना है। फिर इसको शिफ्ट के सहारे बड़ी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ तीनों कॉलम को जोड़ दिया। अब यहाँ देखिए अब सभी कॉलम को हमको जोड़ना है तो सभी में हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सीधे यहाँ से जिस पर फॉर्मूला लगा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और इस पर देखिएगा राइट साइड जब कॉर्नर में आएगा तो प्लस का चिन्ह आएगा। इसी प्लस का चिन्ह आएगा तो माउस का लेफ्ट का साइड दबाते हुए इसको आगे की ओर ड्रॉ कर देंगे। जब ड्रॉ करेंगे तो पूरा में फॉर्मूला लग जाएगा। ये तो ठीक है कि कॉलम शीट वन में शीट टू में हम फॉर्मूला लगा दिए। अब मान लीजिए कि हम ये पूरा को मिटा देते हैं। अब शीट वन है और शीट टू है और शीट थ्री है। मान लीजिए कि शीट वन में हम शीट वन और शीट टू को जोड़ के हमको शीट थ्री में हमको चाहिए ऐड का फॉर्मूला, तो क्या करना है देखिए शीट वन सिक्स में हम चालू करते हैं, सिक्स में यहाँ देखिए लिखते हैं 52 लिखते हैं, फिर अगला कॉलम में 54 लिखते हैं, फिर अगला उसके कॉलम में फिर 85 लिखते हैं, फिर 90, फिर उसके अगला कॉलम में 98 लिखते हैं, ये लिखते हैं 70, ये अगला 74 लिखते हैं। अब शीट वन में तो लिख दिया हमने, अब शीट टू में एक बात का ध्यान रखना होगा, जो शीट वन का सी बी से शुरू किए थे उसी तरह से शीट टू में सिक्स से हमको बी से स्टार्ट करना है, जो भी लिखा हमको ऐड करना है। मान लीजिए 95 है, फिर 65 है, फिर 84 है, फिर हमको 63 है, फिर यहाँ से 54 है। कॉलम दोनों सेम होना चाहिए, शीट वन और शीट टू का सेम होना चाहिए, दोनों में तो लिख दिए। अब यहाँ शीट तीन में हमको फॉर्मूला लगाना है, तो देखिए एक बात का यहाँ ध्यान देना होगा, सिक्स का बी में है तो यहाँ पर हम उसी कॉलम में क्लिक करेंगे, अगर अदर कॉलम में क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा, एक बात का ध्यान। तो क्या करना है यहाँ पर कर दिए, फिर यहाँ देखिए बराबर का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ सम लिखेंगे, फिर बड़ी ब्रैकेट को बड़ी ब्रैकेट ओपन को डालेंगे, फिर यहाँ शीट वन पर आएंगे और यहाँ पर शीट वन को यहाँ पहले सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, फिर शीट टू में आएंगे, फिर यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर कर देते बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक जुड़ गया। अब जुड़ तो गया है, ठीक है, अब आगे वाला भी जोड़ना है। यहाँ से उस कॉलम पर क्लिक करेंगे शीट थ्री के और यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है, इसको फिर ड्रॉ कर देंगे, तो देखिए जितना रहेगा सब ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप शीट वन और शीट टू को जोड़कर शीट थ्री में ला सकते हैं, ऐड का यह फॉर्मूला है। इस तरह से आप किसी कोई भी रो और कोई भी कॉलम को जोड़ सकते हैं, ऐड का फॉर्मूला सीधे ऐसे
लगाया जाता है। अब देखिए दोनों में डिलीट कर देते, यहाँ सुन सुन हो गया है। इस तरह से आप एमएस एक्सेल में ऐड का फार्मूला लगा सकते हैं कि किसी भी एक्सेल में कहीं पर भी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज थैंक यू।